बिजनौर आज से कांवड़ यात्रा मेला शुरू होने जा रहा है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जिले के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के अफसरों के साथ मोटा महादेव सिद्ध पीठ पर बनाए गए कंट्रोल रूम व यूपी यूके बॉर्डर का दौरा कर व्यवस्थाएं देखी। सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी, चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। इसी कड़ी में जिले के एसपी दिनेश सिंह, एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने मोटा महादेव मंदिर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं देखी, साथ ही वहां बनाए गए कंट्रोल रूम का मुआयना किया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने स्टाफ के साथ कोटावाली नदी और यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर भागुवाला पहुंचकर क्षेत्र का भ्रमण कर कांवड़ यात्रा को सकुशल सुरक्षित करने का आह्वान किया। मोटा महादेव पहुंचे एसपी दिनेश सिंह, एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के करीब 800 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा में करीब 800 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। 16 जुलाई से रूट डायवर्ट किया जाएगा। डायवर्जन से 3 किलोमीटर पहले इंटीग्रेटर होगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। सीओ गजेंद्रपाल सिंह व मंडावली थाना अध्यक्ष को निर्देश देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी कांवड़िए को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मोटा महादेव मंदिर पर साफ सफाई, विश्राम, सुरक्षा आदि का पूर्ण रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा से जुड़े बाईपास मार्ग पर लकड़हरन नदी के किनारे दोनों पुलिसकर्मियों की तैनात करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही 16 जुलाई से इन मार्गों पर रूट डायवर्जन होगा, सोच समझकर यात्री निकलें। इस दौरान परिस्थितियों के आधार पर यातायात में बदलाव भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। कल से हमारी कांवड़ सावन माह की शुरुआत होने के साथ साथ हमारी कांवड़ यात्राएं शुरू होंगी। हमारी पूरी व्यवस्था और पूरी तैयारी हो चुकी है। रूट डायवर्जन के लिए हमारी अंतर जनपदीय और अंतर राज्यीय, मतलब हमारे सीमावर्ती जो जनपद हैं उनके साथ और उत्तराखंड के साथ हमारी समन्वय गोष्ठी हो चुकी है और पूरी पॉलिसी जो डायवर्जन की है वो डिसाइड हो चुकी है। 16 तारीख से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। हमारा कंट्रोल रूम तैयार हो चुका है। डायवर्जन पॉइंट से 3 किलोमीटर पहले इंडिकेटर्स होंगे, दूसरा इंडिकेटर 1 किलोमीटर पहले होगा। हमारी पूरी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। ड्रोन से भी निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी होगी और पूरी सारी ड्यूटी हमारी अब आपसी समन्वय के साथ तैयार हो चुकी है। हमारी QRTs भी एक्टिव रहेंगी, हमारी एम्बुलेंसेज भी एक्टिव रहेंगी और हम अन्य विभागों के साथ भी समन्वय करते हुए जो भी शिविरों पर व्यवस्था करनी है, शिविर के व्यवस्थापकों से भी हमारी बातें हो रही हैं और मैं कहूँगा कि हम कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपने सकुशल इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराएंगे।